बरेली के आमला थाना क्षेत्र में एक किशोर की एक खेत की बाढ़ में लगे तार के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसकी जानकारी मिलने पर गांव में चीख पुकार मच गई। वहीं मृतक किशोर के घर में कोहराम मच गया। यहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल घटना आंवला थाना क्षेत्र में खड़गपुर गांव की है, जहां के रहने वाले लेखराज का 14 वर्षीय बेटा नरेन सुबह गांव के पास ही अपने खेत पर जा रहा था। इस दौरान रास्ते में किसान नरपत के खेत की बाड़ में लगाए गए तार में फैले करंट की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। हादसे के दौरान जब किसी ग्रामीण ने देखा तो उसने घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए खेत की बाड़ में कई किसानों द्वारा लगाए गए तार में करंट छोड़ दिया जा रहा है, जिससे आए दिन किसी न किसी व्यक्ति या जानवर की मौत हो रही है। अभी चंद रोज पहले फरीदपुर थाना क्षेत्र में फसल की सिंचाई के दौरान रात में एक किसान की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। कैसे मौत हुई बच्चे की? वो करंट तार लगा हुआ था बाउंड्री के खेत के। अच्छा, उसके पास वो गया होगा तो मीटर पार पड़ गया होगा, तो हाथ लग गया करंट में। किसका खेत था ये? ये खेत तो नरपत का है। कब मौत हुई बच्चे? बच्चे 9:30 बजे। क्या करने गया था खेत में? अब खेत में क्या पता, लेटरिंग क्यों गया, क्या करने गया, जा तो हमें नहीं पता।